दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम गुरुकुल बाय इरफान सैयद है। मैं ये जो चीज बोल रहा हूँ वो नए यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर अपना यूट्यूब वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप पहले जाके गुरुकुल बाय इरफान सैयद को लाइक कीजिए, फिर मुझे मैसेज कीजिए कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। फ्रीली शेयर आप कर सकते हैं, या मेरे साथ अगर आप कोलैब करना चाहते हैं तो प्लीज आइए, हम साथ में मिलकर कोलैब करेंगे। आपका कोई भी फील्ड में अगर आपका यूट्यूब चैनल चलता हो तो प्लीज आइए, हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के एमएसआरटीसी की बस में सफर किया और मुझे पता चला कि एमएसआरटीसी की बसेस में वाईफाई अवेलेबल है। मैंने इसके पहले वाईफाई सिर्फ ट्रैवल्स में देखा था, वॉल्वो बसेस जो आती है उसमें देखा था, या वीडियो कोच बसेस होती है जहाँ पर आपको फिल्म दिखाई जाती है वीडियो पे, वैसी बसेस देखा था। लेकिन ये चीज़ मैंने अभी तक एमएसआरटीसी की नॉर्मल जो रेड कलर की बसेस होती है, यानी एसटी बसेस की मैं बात कर रहा हूँ, रेड कलर्स की और ग्रीन कलर की जिसका नाम हिरकनी दिया गया है वो बसेस होती है, उसमें मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो ये चीज़ मैंने उस वक्त देखी जब मैंने सफ़र किया, सोलापुर से मुंबई का सफ़र किया और मैंने बस पकड़ी। मैं पहले तो बोर हो रहा था लेकिन मेरी नज़र एक लेबल पे पड़ी जो कि काले कलर में था और कई कई बसेस में वो रेड कलर में भी होता है, जो इस तरह आपको दिखाई देगा जो आप बाजू की स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा रेड कलर का या काले कलर का कोई लेबल दिखाई दे कि आपका मोबाइल आपका थिएटर है या एसटी बसेस का सफ़र हो गया अभी और सुहाना ऐसा कुछ लिखा है आपको दे, तो आप समझ जाइए कि उस बसेस में वाईफाई सिस्टम अवेलेबल है। तो आप वाईफाई ऑन कर लीजिए, सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जाकर इस तरह जैसे बाजू में दिखाया गया है वैसे वाईफाई आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको जाना है गूगल और सफारी के ब्राउज़र पे। याद रहे ये सिर्फ गूगल और सफारी ब्राउज़र पे अवेलेबल है, बाकी किसी ब्राउज़र पे ये अवेलेबल नहीं है। तो गूगल और सफारी के ब्राउज़र पर आपको जाना है, गूगल और सफारी ब्राउज़र पर जाके ब्राउजिंग ऑप्शन पर आपको लिखना है kiwi.com, जिस तरह लिखा गया है यानी कीवी kiwi.com kiwi.com। जैसे ही आप kiwi.com जाके लिखेंगे और एंटर करेंगे या गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जो आपको जोड़ेगी woot.com से, यानी woot.go.com की एक वेबसाइट से जोड़ेगी। और ये woot.com पे बहुत सारी फिल्म्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं, आप पूरा सफ़र फिल्म देख के कर सकते हैं। एक बात गौरतलब है यहाँ पर कि आप कहीं भी हो एमएसआरटीसी की बसेस में, मैं जिस वक्त ये फिल्म देख रहा था मैं था हैदराबाद हाईवे पे, जो इंदापुर हाईवे लगता है, इंदापुर के बाद का हाईवे लगता है पुणे के लिए, जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खेत आपको दिखाई देगी, वैसे हाईवे पे मैं था। और उस हाईवे पे जब मैंने देखा वो चला के तो विदाउट बफरिंग ये वाईफाई चला है और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एमएसआरटीसी की बसेस में मैंने पहले ये चीज़ें नहीं देखी थी। और ये जो स्टेप है एमएसआरटीसी का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एसटी बसेस में नॉर्मल लाल डिब्बे वाली बसेस में और हिरकनी बसेस में यानी ग्रीन कलर की बसेस में ये चीज़ें बहुत मुझे अच्छी किफ़ायती लगी और मनोरंजन है एक तरीके से अगर आप एमएसआरटीसी की बसेस में सफ़र कर रहे हैं तो। तो गौरतलब है कि आपको जाना पड़ेगा kiwi.com पे, सबसे पहले तो अपना वाईफाई ऑन करना पड़ेगा और गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाके kiwi.com लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फिल्म के, मराठी हिंदी इंग्लिश के ऑप्शंस मिलेंगे और कार्टून्स का भी ऑप्शन है वहाँ पर, और कोई भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। हालांकि ये 6 महीना पहले हो चुका है, यानी ये जून में एमएसआरटीसी ने बसेस सारी बसेस में लगाया गया, फिर भी बहुत सारी बसेस में अभी तक पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। कोशिश ये हो रही है कि बहुत जल्द ये सारी बसेस में अवेलेबल हो जाए। कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी एक कंडक्टर से तो बोला गया कि हाँ अब सारी जगह अवेलेबल करवा दिया गया है। होप सो, मैं कोशिश ये करता हूँ कि क्यों ना ऐसी ही सर्विसेज हमारी ट्रेन्स में अवेलेबल हो, क्योंकि ट्रेन का सफ़र भी बहुत लंबा होता है, और ऐसी ही सर्विसेज बाकी के शहरों की बसेस में अवेलेबल। मुझे पता नहीं कि दिल्ली में ऐसी सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, चेन्नई में ऐसी सर्विसेज अवेलेबल है, मुझे ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये सारी सर्विसेज वहाँ पर भी अवेलेबल होगी। अगर नहीं है तो मेरी गुजारिश है कि आप सब जगह ऐसी सर्विसेज अवेलेबल कराएं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको एक बूस्ट मिले, एक गुडविल मिले कि हमारी बसेस में भी आप मोबाइल के ज़रिए मनोरंजन कर सकते हैं अपना और आप आराम से अपना सफ़र तय कर सकते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि आप मुझे बताइए
कि आपके शहरों की बसेस में ये चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो लॉन्ग रूट की बसेस की बात कर रहा हूँ, सिटी बसेस की मैं बात नहीं कर रहा। लॉन्ग रूट की बसेस में ये चीज़ें अवेलेबल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे और मुझे बताइए कि हाँ हमारे शहर में भी ये चीज़ें अवेलेबल है, तो मुझे भी मालूम पड़ जाए कि बाकी के शहरों में भी ये हो रहा है, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के MSRTC की बसेस में हो रहा है। तो दोस्तों, इरफान सैयद, मैं यहीं पर विदा लेता हूँ, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।